बताइए। कभी कभी ऐसा दिन आता है जब आपको गुरुजी कुछ अपनी मस्त में होके, जब गुरु आपका मस्त होता है, आपसे खुश होता है और आपके लिए कुछ करना चाहता है तो बड़े आपको नजारे दिखाता होता है। कभी नजारे उन्होंने अलग तरीके से दिखाए। आज ऑफिस जाने के लिए मैं सोच रहा था कि भी मैंने ऑफिस निकलना है, बट समहाउ कुछ मीटिंग्स नहीं थी आज सारा ऑफिस में बैठ के काम करना था। सो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आज घर से काम करने थे। और कुछ इस तरह से समीकरण बने हैं, ऐसे कुछ इक्वेशंस हुए कि जिसकी वजह से आज ऑफिस जाना नहीं हो पाया। सो दोपहर में जो है वो दिल किया कि आज जो है वो मैं पाव भाजी बनाता। सो टुडे आई वाज सपोज्ड टू कुक लंच, सो मैं आज पाव भाजी बनाता। और मैं जब फेयर प्राइस गया, मतलब सुपरमार्केट जो यहाँ पर है, मैं उधर गया तो मुझे जो है पाव भाजी के लिए जो बन होते हैं, जो पाव होते हैं, वो मुझे नहीं दिखे। मैं बेकरी सेक्शन में गया, बेकरी में मैंने देखा कि वहां पे पाव नहीं। मेरा दिल सिर्फ पाव भाजी का यहीं तक नहीं था, दिल ये था कि कई बार ऐसा होता है कि शाम को जो है इतनी सेवा होती है सारा कुछ, एक दिल में बड़ी इच्छा थी कि मैं आज गुरुजी को अपने हाथ से बना के भोग लेता। कि आज घर पे भी हूं तो चलो लंच बना रहा हूं तो मैं गुरुजी को भोग लेता। और जब मैं वहां गया तो एक बड़ा पाव ही नहीं है और मैं गुरुजी को पाव भाजी खिलाना चाहता हूँ और पाव ही नहीं मिलता तो पाव भाजी कैसे बनेगी। जो मैं बताने जा रहा हूं दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। जो कई लोग जुड़े हैं गुरु जी से उस लेवल पे, उनके लिए तो शायद ये बहुत छोटी सी बात है, बट जब गुरु जी बख्शीश करते हैं, जब मेहरबान होते हैं, सो इस तरह से कि ये रैक है, इस रैक में सब कुछ रखा हुआ है एंड आई कैन नॉट सी कि उसमें जो है वो पाव के बंस रखे हैं, बिकॉज वो पाव के बंस जो है वो बाकी चीजों से ढकते हैं। सो आई कैन नॉट सी दैट। और मैंने जब ये बोला, मैंने गुरु जी बताइए आज जो है मैंने आपको भोग लगाना था, आज जो है इसी का आपके लिए मैं आज मैं ये खिलाना चाहता था, भोग मैंने नहीं कहा कि भोग लगाना चाहता था, मैंने कहा कि मैं आज आपको जो है वो पाव भाजी खिलाना चाहता था और आज आप जो है वो बनी नहीं है यहाँ पे, तो पाव ही नहीं है कैसे चलेगा। सो व्हाट हैपेंस इज एक पाव का पैकेट उसमें से उछलता है और बाहर चला जाता है। रैक में से उछलता है बाहर आ जाता है और ऐसे जमीन पे गिर पड़ता है। मैंने छोटी सी चीज मांगी थी, मैंने कहा आज मैंने आपको भोग लगाना, मुझे पाव नहीं मिल रहे। एक मिनट, व्हाट एल्स यू वांट? आप एक सेवा करना चाहते थे इतने मेहरबान कि एक मिनट में उन्होंने दे दे कि अरे तू करना चाहता ले चल ले जा ऐसे चल खुश रह। तो जो कहते नहीं जा ऐश कर, ये वही है कि हम लोगों को बड़ी समस्या आती है। इसको आप थोड़ा सा घुमा के ले लो कि हमें बड़ी समस्या लगती है कि अजी हमें ये करना है वो करना है, लेकिन अगर जो है वो गुरु जी के लिए अगर हम सेवा के लिए बात करें या कुछ भी हम कहें, अगर वो उनके साथ है, उनके वो अगर जो है वो ठीक चीज है हमारे लिए, ही विल जस्ट डू इट लाइक दैट। दिस इज मॉर्निंग। नाउ वी ऑल सॉ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग सत्संग। सो जो दरबार जी जो अंदर लगे होते हैं पूरे के पूरे, सो जब ये सत्संग चल रहा था तो सारा दरबार हिल गया, सारे स्वरूप जी गिर गए और अंकल है अंकल जाके उन्होंने सारा दरबार फिर से लगाया। दैट इज द प्रेजेंस ऑफ गुरु जी। थोड़ा हाँ जी अंकल इधर आ जाओ ना, आओ तो सही। अब अंकल उतना ही नहीं देगा, बहुत संगत जुड़ी हुई है आज।
आइए तो यहाँ सो जब चंदन टीका करके सब दरबार में टीका लगाया तो दो स्वरूप फ्रेम और एक चरण फ्रेम पड़े, मतलब ऐसा देने के लिए मैंने उस पर टीका नहीं लगाया और वही हुआ एकदम से गिरे, बुलाया इन पे टीका लगाओ तो बोला देने के लिए आप ले लो चरण डिस्पोज द होल। गुरु जी इज ऑलवेज देयर वॉचिंग, जो मन में है एकदम से पहचान लेते हैं मिर्चों की वो। थैंक यू सो मच, मेरी तो संक्रांति सफल हुई है। सो जो गुरु जी की महिमा है और गुरु जी के जो जो ये प्यार है ना जो आप पे बरसाते हैं वो बहुत उनके उनके तरीके बड़े अलग हैं, उनके उनके जो हिसाब है वो ऐसे हैं कि हम जो है वो उस बात को समझ ही नहीं सकते। मैं तो हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि मुझे नहीं पता है गुरु जी क्या है क्या नहीं है, मुझे तो बस इतना पता है कि मुझे गुरु जी से बहुत प्यार है, दैट्स ऑल, आई लव हिम, दैट्स ऑल, और वो उतना ही जो है वो प्यार करते हैं।